हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्ण विचार, या फिर आप बोल सकते हैं वर्णमाला। तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद जैसे कि स्वर और व्यंजन, उसके बाद स्वर के जितने भी भेद हैं और व्यंजन के जितने भी भेद हैं वो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ण किसे कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको वर्ण बोलते हैं, और वर्णों को मिलाकर ही शब्द का निर्माण होता है, और शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण होता है। हिंदी भाषा में 44 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, अब स्वर के भी कुछ टाइप हैं और व्यंजन के भी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखिए 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, ई, जिसको हम बड़ी ई बोलते हैं, ऊ, ऊ, बड़ा ऊ बोलते हैं जिसको, री, ए, आई, औ, ओ, ये आपके 11 स्वर हैं। ठीक है, इनमें से मूल या फिर ह्रस्व स्वर किन्हें बोलते हैं, देखिए अ, ई, उ, री, ये आपके मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, देखिए आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, औ, ओ। ठीक है, तो ये थे आपके मूल स्वर और ये थे दीर्घ स्वर। अब देखिए जो आपके 33 व्यंजन हैं उनमें जो उनके टाइप हैं वो देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक के जो व्यंजन हैं क से म तक, इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ओके, उसके बाद य, र, ल, व, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, उसके बाद श, श, स, ह, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आपके कौन कौन से आते हैं, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो इनको संयुक्त स्वर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये आपके दो स्वर को मिला के इनकी ध्वनि आती है। इसके बाद अयोग्य वह स्वर, अयोग्य वह स्वर होते हैं अंग और अह। ठीक है, इसी तरह संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आपके आते हैं अक्षय, त्रय, ध, ज्ञानी और श्र। ठीक है, तो जो आपका अक्षय है वो बना है क, क के नीचे हलंत, प्लस श, श के नीचे हलंत, त्र, त, त के नीचे हलंत, प्लस र, र के नीचे हलंत, ध, ध में देखिए कौन कौन सी ध्वनि है, द, द के नीचे हलंत और य, य के नीचे हलंत, ग, ज्ञानी, ये देखिए ज, ज के नीचे हलंत और न, न के नीचे हलंत। जो आपका श है ये बना है श, श से, ये कौन सा श है, श से शलगम, श के नीचे हलंत प्लस र, र के नीचे हलंत। उसके बाद उच्चिप्त व्यंजन में देखिए आपके आते हैं ड, खाली, और ढ, ढक्कन, ये जो दो व्यंजन हैं ये उच्चिप्त व्यंजन में आएंगे। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।